आपकी बार मोदी 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 स्वागत है भाई स्वागत है 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 शेरों की नगरी व बांसुरी नगरी पीलीभीत में हम सबके परम आदरणीय प्रधान सेवक जननायक महापुरुष परम आदरणीय माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी को पीलीभीत की धरा पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। स्वागत है भाई स्वागत है। हमें मोदी 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 कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी से विनम्र आग्रह करूंगी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बांसुरी नगर पीलीभीत की मधुर बांसुरी भेंट कर माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। मोदी 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 कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने बीजेपी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री जतिन प्रसाद जी एवं छत्रपाल गंगवार जी से आग्रह करूंगी कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्पकली भेंट कर उनका आशीष प्राप्त करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, ये विजय का शंखनाद है। मोदी 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 नारी राष्ट्र से अक्सी अस्थि अर्थात महिलाएं ही राष्ट्र की आंख होती हैं और इस यथार्थ से परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबका परिचय करवाया है। अतः मंच पर उपस्थित डॉक्टर दलजीत कौर जिला पंचायत अध्यक्ष, सभ्यता वर्मा ब्लॉक प्रमुख, गीता मिश्रा जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, श्रीमती रश्मि जायसवाल नगर पालिका अध्यक्ष और स्वयं मैं डॉक्टर आस्था अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष, समस्त नारी शक्ति आप भारत संतों की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है और आज पीलीभीत नगरी का सौभाग्य है कि नवरात्र के पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हम सबके समक्ष हैं। आपके व्यक्तित्व कृतित्व का अंदाज निराला है। प्रदेश में चहुओर विकास का फैला उजियारा है। योगी संतों की पावन तपस्थली से महका कण कण मिसाला है। आपके संकल्पों को पूरे करता संकल्प हमारा है। इन्हीं शब्दों के साथ युवाओं के दिलों की धड़कन गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करूंगी कि मंच पर आएं और हमें अपना आशीष वचन दें। आदि गंगा मां गोमती के उद्गम स्थल पीलीभीत में बासंती नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। पीलीभीत वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पीलीभीत की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज बासंती नवरात्रि की प्रथम तिथि भारत
भारतीय नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको भी आदि शक्ति मां भगवती जगदम्बा के इस पावन दिवस पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री बीएल वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, बलदेव सिंह ओलक जी, संजय सिंह गंगवार जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली के सांसद श्री संतोष गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत लोकसभा सीट से प्रत्याशी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, बरेली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और पीलीभीत से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सबकी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पीलीभीत की इस धरती पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि स्वतंत्र भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाने जा रहा है भारत, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। हम सब की आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। बहनों और भाइयों, आज इस बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। ये बदलता हुआ भारत, जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये बदलते हुए भारत ने कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ था कभी वह अखंड भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादों ने भारत की हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, लेकिन बाल दिवस कोई और ही दिवस मनाया जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवासियों को देकर के भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार चार साहबजादों के प्रति और उन अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और आज पूरे देश के अंदर हर जगह हर ओर यह आयोजन होता आ रहा है।
हमारा ये पीलीभीत जहां अपनी कृषि के लिए जाना जाता है, वहीं अपनी अद्भुत कला के लिए भी जाना जाता है। कृषि में गन्ना किसान यहां की मिठास को न केवल प्रदेश और देश में बल्कि दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। और बताते हुए यह भी प्रसन्नता है बहनों और भाइयों कि मोदी जी के ही नेतृत्व में संभव हो पाया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान अब समय पे हो पा रहा है, अन्यथा कई कई वर्ष लगते थे और गन्ना किसान देखता रह जाता था। आज यहाँ पे सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आज यहाँ पर आजीविका है तो आस्था को सम्मान भी है। कोई सोचता था अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा? बहनों और भाइयों, अगर ये हो पाया है तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी के सच्ची नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वर्तमान पीढ़ी इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ते हुए देख रही है। आज के इस अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी आपके बीच में आए हैं, 10 वर्ष में बदलते हुए भारत में जो कुछ भी हमने देखा है, बहनों और भाइयों, ये आपके एक वोट की कीमत ने किया है। आपका वोट जब गलत हाथों में जाता था तो फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली, देश के अंदर उपद्रव करवाने वाली, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली सरकारें आती थी। लेकिन 2014 में, 2019 में देश के मतदाताओं ने अपने वोट की कीमत को समझा, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया और बहनों और भाइयों, आज बदलते हुए नए भारत को आप देख रहे हैं, जो आज एक पिछलग्गू राष्ट्र नहीं, दुनिया की एक वर्ल्ड पावर बन रहा है, ग्लोबल पावर बन रहा है। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत में जितिन प्रसाद जी को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है और बरेली में श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। इन सभी प्रत्याशियों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर जो भारत की आवाज है, उस आवाज के साथ हम सब जुड़ करके कि फिर एक बार पूरे देश की आवाज क्या है, फिर एक बार अब की बार इस संकल्प के साथ जुड़ करके। लेकिन इस संकल्प की पूर्ति होगी बहनों और भाइयों, जब आप चुनाव के दिन पहले 3 घंटे में मतदान करने की दिशा से अपने आप भी और अपने साथ के मतदाताओं को लेकर के जाएंगे, इस कार्य को करेंगे, सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मैं इन शब्दों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं अपने आशीष वचनों के लिए। परम वैभवम नेतु मेतत स्वराष्ट्रम की कल्पना को साकार करने के लिए, अपने उद्यत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर पल चिंतन मनन करने वाले हमारे जननायक परम आदरणीय परम श्रद्धेही प्रधान सेवक हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज
देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष मनाया जा रहा है। आज विक्रम संवत 2081 का पहला दिन है। मैं समस्त देशवासियों को गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, चेटीचंड, नरे, नवरे के साथ साथ साजीबू चेरोवा नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो गई है। देश भर में शक्ति की उपासना, उसकी धूम मची हुई है। नवरात्रि का पर्व हो, हर कोई भक्ति में डूबा हुआ हो, शक्ति उपासना में जुड़ा हुआ हो, ऐसे समय इतनी बड़ी रैली, ये अपने आप में एक अजूबा है। क्योंकि मेरा जब कार्यक्रम बन रहा था तो मैंने कहा भाई नवरात्रि है, लोग कैसे आएंगे? उन्होंने कहा साहब बस आप डेट दे दीजिए। और इतने कम समय में नवरात्रि के पावन पर्व पर भी इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने आए। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद दे रही है। मैं सभी सिख गुरुओं को भी नमन करता हूं। कुछ ही दिन में बैसाखी भी आने वाली है। मैं आपको बैसाखी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यहां पीलीभीत के साथ ही बरेली की जनता जनार्दन के दर्शन का भी सौभाग्य मिला है। और सब दूर एक ही संदेश है, बहुत ही स्पष्ट संदेश है, एक ही गुंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार साथियों, हम बचपन से सुनते आए हैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये बोल भारत की वीर परंपरा के प्रतीक है। ये बोल दिखाते हैं कि लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, भारत अगर ठान लेता है तो सफलता हासिल करके रहता है। आज इसी प्रेरणा से, इसी ऊर्जा से भारत के लोग, हम लोग विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं। सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच
भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप मुझे बताइए साथियों, भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत में हुए भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी, ये सुनकर आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाए। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को भी पूरी श्रद्धा से भारत लाए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। आप मुझे बताइए, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के हर कोने में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये किसने किया? ये कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है। आपके एक वोट से मजबूत सरकार बनी, निर्णायक सरकार बनी, सशक्त सरकार बनी, काम करने वाली सरकार बनी, और बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से भी कम नहीं है। साथियों, जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। आज हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कहीं 4 लेन 6 लेन 8 लेन के हाईवे बन रहे हैं, कहीं भव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहीं वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं, पीलीभीत, भोजीपुरा,
और पीलीभीत से टनकपुर तक रेलवे के ब्रॉडगेज होने से एक्सप्रेस ट्रेन भी चलने लगी है। धनारा घाट पर 250 करोड़ की लागत से पुल बनाने का काम भी शुरू होने वाला है। इससे शारदा नदी के किनारे रह रहे हजारों लोगों को आसानी होगी। ये जो सुविधाएं बन रही है, ये किसानों और नौजवानों दोनों के लिए नए अवसर लेकर के आती है। पुरानी सरकारों के दौरान जो उद्योग यहां बंद पड़ गए थे, जो फैक्ट्रियां यहां बंद हो गई थी, उनको भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। पीलीभीत में एक तरफ बांसुरी की सुरीली आवाज है तो दूसरी तरफ टाइगर की दहाड़ भी है। हमारी सरकार पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ख्याति को भी देश और दुनिया के कोने कोने में ले जाने का काम कर रही है। यहां इको टूरिज्म का नया इकोसिस्टम बन रहा है। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, पीलीभीत और ये पूरा क्षेत्र खेती किसानी के लिए भी जाना जाता है। आप याद कीजिए, 10 वर्ष पहले तक किसानों की क्या स्थिति थी? महंगे यूरिया की कालाबाजारी होती थी और किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी। आज यूरिया भी पर्याप्त मिलता है और लगातार मिलता है। जो बोरी दुनिया में 3000 रुपये में यूरिया की बोरी बिकती है, वो हमारी सरकार सिर्फ 300 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बोरी किसानों को देती है। यहां यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 70,000 करोड़ रुपये भी मिले हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। किसानों के बैंक खाते में 70,000 करोड़ रुपया ये मोदी सरकार ने पहुंचाया है और इसमें से करीब 850 करोड़ रुपये यहां पीलीभीत के किसानों के बैंक खाते में पहुंचे हैं। साथियों, कांग्रेस और सपा के राज में गन्ना किसानों को कैसे अपने ही पैसे के लिए तरसाया जाता था, ये आपसे अच्छा कौन जानता है। भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों की परेशानी कम करने के लिए पूरी ताकत से काम किया और योगी जी ने तो पहले दिन से ही गन्ना किसानों की मुसीबतें दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए। कई चीनी मिलें खुली हैं, कई का विस्तार हुआ है और ये काम
लगातार किया जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस के 14 साल में जितने रुपए गन्ना किसानों को मिले थे उससे ज्यादा पैसे बीजेपी ने यहां योगी जी की सरकार ने 7 साल में गन्ना किसानों को दे दिए हैं। देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो बड़ा अभियान चल रहा है उससे भी पीलीभीत के किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। गांव के पास अनाज भंडारण की दुनिया की सबसे बड़ी योजना भी शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत देश में लाखों नए गोदाम बनाए जा रहे हैं। इसका भी लाभ पीलीभीत के किसानों को मिलने वाला है। आने वाले 5 वर्षों में हम ड्रोन से खेती का नया विस्तार देखेंगे। हमारे युवा ड्रोन बनाएंगे और गांव की हमारी माताएं बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। गांव गांव में 3 करोड़ महिलाएं ये हमारी लखपति दीदी बनेगी और ये मोदी की गारंटी है। पक्के घर, हर घर नल से जल, ऐसी हर सुविधा तेजी से हर बहन हर परिवार तक पहुंचे, ये मोदी की गारंटी है। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, पीलीभीत की धरती पर माता यशवंतरी देवी का आशीर्वाद है। पीलीभीत में आदि गंगा मां गोमती का पवित्र उद्गम स्थल है। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देशभर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। माफ करेगा क्या? माफ करेगा क्या? साथियों, सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन को भारत की विरासत की परवाह भी नहीं है। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। हमें
हमारे कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपनी सरकार समर्पित कर दी। देश के हर परिवार ने अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से योगदान दिया। पीलीभीत वालों ने भी एक विशाल बांसुरी अयोध्या को भेंट की। लेकिन साथियों, इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया, आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। भाइयों बहनों, मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं कि इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी से जो प्रतिष्ठा में गए, प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। क्या ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो सकता है? कोई राम की पूजा करे इसलिए पार्टी से निकाल दो, एक ऐसी पार्टी है भाई? ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों, याद रखेंगे ना? याद रखेंगे। साथियों, तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा, सीएए का भी विरोध कर रही है। विदेशी धरती पर अत्याचार की वजह से भागने के लिए मजबूर हुए हिंदुओं और सिख भाई बहनों को आप मुझे बताइए, मेरे इन हिंदू भाइयों बहनों को, मेरे इन सिख भाई बहनों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? वो अपने हक नहीं है? उनको हमें संभालना चाहिए नहीं संभालना चाहिए? सीएए का यहां पीलीभीत में रहने वाले अनेक परिवारों को मेरी आपको गारंटी है, आप अप्लाई कीजिए, आपका हमेशा हमेशा की मुसीबतों से मुक्ति मिल जाएगी, आप भारत के नागरिक के नाते गर्व से जी पाएंगे। लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस पर भी ऐतराज जता रही है। साथियों, यहां इस सभा में बड़ी संख्या में हमारे ये शरणार्थी भाई बहन भी है,
हमारे सिख भाई बहन भी हैं। समाजवादी पार्टी आज जिस कांग्रेस के साथ खड़ी है, उस कांग्रेस ने 84 में हमारे सिख भाई बहनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता। ये भाजपा है जो सिखों के साथ पूरी शक्ति से खड़ी है, उनकी भावनाओं को समझते हुए काम करती है। हमें गर्व होता है जब करतारपुर साहब कॉरिडोर के द्वारा लाखों श्रद्धालु दशकों से जो उनके मन में दर्द था, पीड़ा थी, उससे मुक्त होकर के आज करतारपुर साहब जाकर के मत्था टेक करके हमें आशीर्वाद लेके आते हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने लंगर की वस्तुओं पर से जीएसटी हटाया। हमने श्री हरिमंदर साहब के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जिससे विदेश के लोगों को भी सेवा करने का अवसर मिले। हमने वीर बाल दिवस मनाकर साहिबजादों के शौर्य को सम्मान दिया। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, भाजपा सरकार ने देश विदेश में सभी पर्व धूमधाम से मनाए। साथियों, कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को देश की महान विभूतियों का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता। कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस देश के महापुरुष जिसने देश की एकता के लिए अपनी जिंदगी खपा दी, उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, लेकिन कांग्रेस सपा वालों को वहां जाकर के सरदार साहब को सम्मान करने का उनको मन नहीं करता है। ये लोग विदेशों में तो जाकर के घूम करके आते हैं लेकिन अपने ही देश के सरदार पटेल की प्रतिमा का दर्शन नहीं करते, जिन सरदार पटेल ने पूरे देश को एक किया उनका भी ये लोग बहिष्कार करते हैं। साथियों, भारत को बांटने की साजिश में जुटे इंडी गठबंधन से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए देश की एकता अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद के लिए हम आपके पास आए हैं। आपके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। 19 अप्रैल को पीलीभीत से जितिन प्रसाद जी और 7 मई को बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार जी को भारी मतों से जिताने के लिए मैं आप सबको प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आप मेरी बात घर घर पहुंचाएंगे, हर पोलिंग बूथ में जाएंगे, पोलिंग बूथ जीतने के लिए योजना बनाएंगे। अच्छा, ये मेरा एक काम करोगे, एक मेरा काम करोगे, मेरा पर्सनल काम है करोगे, घर घर जाना और जाकर के बताना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। माता की बहुत बहुत धन्यवाद।